हेलो फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर की एक शानदार डेट फ्री कंपनी कंपनी का नाम है फाइनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर के केमिकल्स बनाने की लीडिंग कंपनी है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता है इनका। और ये कंपनी बाकी स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है। इसका आज का क्लोजिंग था 124 रुपीज़ का और 52 वीक हाई था 146 रुपीज़ का। मज़े की बात बताता हूँ आपको दोस्तों, मैंने आज ही इसको 116 रुपये में इसके शेयर्स लिए और आज ही इसने मुझे करीब करीब 8 से 10% का प्रॉफिट दे दिया। पर मैंने बेचा नहीं क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है अभी 30 अक्टूबर को और मुझे काफ़ी होप्स है कि इसका रिजल्ट अच्छा आने के बाद ये शेयर 150 का लेवल टच कर देगा आने वाले 4-5 दिन में ही। इसलिए मैंने इसको बेचा नहीं, जबकि मैं इसमें प्रॉफिट में ऑलरेडी 9 to 10% प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुका हूँ एक ही दिन में। दोस्तों, इसका पी है 27 का जो कि बहुत ही अच्छा है और EPS है 4 का जो कि इसके रेट के हिसाब से भी ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02, मतलब डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। इसको पकड़िए मत आप। 50 DMA सपोर्ट के पास में मिल रही है अभी भी, जबकि आज ही भाग चुकी है 8-10%। और ये इसलिए इसमें तेजी इसमें इसलिए दिखाई दे रही है दोस्तों क्योंकि सबको इसमें एक कॉन्फिडेंस है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा क्वार्टर रिजल्ट, तो इसके बाद में कंपनी कम रेट में मिलेगी नहीं, इसीलिए आज से बाइंग जोरदार शुरू हो गई इसके अंदर। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 65%, जो कि काफ़ी अच्छा है। और FII ने इसी क्वार्टर में इसमें एंट्री की है 1.50% का, 1.5% का FII ने इसी क्वार्टर में इसमें एंट्री की है जो कि उनको काफ़ी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है इसलिए। और DII का होल्डिंग है 6%। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है फाइनोटेक्स केमिकल। आप जरूर इसको कंसिडर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए और इस बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।